आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी और इजी हैदराबादी बिरयानी। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बेहद जल्दी बन जाती है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं mycityfoodsecret.com को। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसे कैसे बनाते हैं। आधा किलो चावल, एक कप हमने फ्राई किया हुआ प्याज ले लिया, आधा किलो चिकन, हाफ कप दही, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। चावलों को बॉईल करने के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 3 से 4 अदद लौंग, 2 अदद दालचीनी के पीसेस, 1/2 बंच धनिया के पत्ते, 1/2 बंच पुदीने के पत्ते, 1 अदद बड़े साइज का लेमन ले लिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी ले लिए। चलिए अब पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले बाउल ले लिया, इसमें चिकन ऐड करेंगे। तमाम पाउडर मसाले डाल देंगे। आधा फ्राइड अनियन डाल देंगे। दही डाल देंगे। हरी मिर्चों और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है, अब इसे पकाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, एक पैन ले लिया, इसमें 1/2 कप ऑयल का डाल दिया। ऑयल हमने वही यूज़ किया है जिसमें प्याज को फ्राई किया हुआ था। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
जी वेवर, इसे अच्छे तरीके से भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें लेमन जूस डाल देंगे। क्वार्टर कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हल्की आंच पर कवर करके इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। जी वेवर, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठा लेंगे और हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और चावलों को उबालना शुरू करेंगे। जी वेवर, एक खुली पतीली में हमने पानी ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून नमक और साबुत गरम मसाला डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। जी वेवर, पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को आधे घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चावलों को 80% तक उबाल लेंगे। जी व्यूअर्स, चावल हमारे 80% तक उबल चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको छान लेंगे। जी व्यूअर्स, चावलों को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है, ग्रेवी वाला पैन ले लिया है। इसमें से ग्रेवी हमने एक अलग बर्तन में निकाल ली है। अब लेयर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल डालेंगे, अच्छे से फैला देंगे। अब ग्रेवी डालेंगे। फ्राइड प्याज, धनिया और पुदीने के पत्ते, फिर से चावल डालेंगे। ग्रेवी, फ्राइड प्याज डाल देंगे। धनिया और पुदीने के पत्ते, फिर से चावल डाल देंगे।
अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर हमने पानी में मिक्स कर लिया था, ये डाल देंगे। फ्राइड प्याज डाल देंगे। धनिया पुदीना, अब इसे फॉइल से कवर करेंगे। इसका ढक्कन रख देंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे। जी व्यूअर्स, दम का टाइम पूरा हो चुका है, अब ढक्कन उठा लेंगे। ऑयल को रिमूव करेंगे। और हमारी मज़ेदार से बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारी बेहद मज़ेदार सी और इजी हैदराबादी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बेहद जल्दी बन जाती है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, mycityfoodsecret.com को। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।